सभी को गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम गुड आफ्टरनून, अंश जी नमस्कार, खुश रहिए। अंशु मैम गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज मेरे जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अंशु मैम गुड आफ्टरनून और थैंक यू जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए। अंश सर धन्यवाद सर, आप सभी का प्यार और दुआएं हैं जो बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुचिता मैम गुड आफ्टरनून, क्या बात है आज बहुत सारे बच्चे हैं, आज भाई 9-10 बच्चे आए हैं, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आज हम उसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। सुनीता मैम गुड आफ्टरनून, सतनाम परदेसी जी गुड आफ्टरनून, धन्यवाद सुष्मिता मैम, धन्यवाद सभी का जो भी बर्थडे विश कर रहे हैं मुझे। ठीक से चाकसु महाजन जी गुड आफ्टरनून, कल्पना मैम जय माता दी की, और सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। उम्मीद कर रहा हूं आवाज वगैरह सब कुछ ठीक होगा, अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार भी जो है कमेंट्स करके बताइए। और चलिए चलते हैं आज के, यानी कल तक हमने 50 क्वेश्चन द राइटर ऑफ द बुक ऑफ विक्टोरिया गीतिमाला यहां तक हमने कर लिया था। एक बार यहां से अपन फिर से शुरुआत करते हैं और आपको आंसर देना है। जद्दू भट्ट, सुरेंद्र मोहन टैगोर, अतुल प्रसाद सेन या नॉन ऑफ देम, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और थोड़ा सा स्पीड से रखेंगे दोस्तों, जैसे हमारी मैराथन क्लास होती थी, जितना समय कम लगे कोई बात नहीं, ज्यादा समय करके क्या करना है। तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र मोहन टैगोर। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाट्य रस आर मेंशन इन टेक्स्ट नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में नाट्य रस कितने माने गए हैं यह आपको बताना है। धन्यवाद मीनू जी और जितने भी जो परवीन जी, सभी को नमस्कार गुड आफ्टरनून, जय श्री राम रंगोली मैम। और तो इसका आंसर देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाट्य रस कितने माने गए हैं, तो नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि 8 रस माने हैं नाट्य शास्त्र में कितने रस माने गए हैं, 8 रस माने गए हैं। ठीक है ना, किन्होंने माने हैं, आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है अगला क्वेश्चन, वन टाइप ऑफ मेटल इंस्ट्रूमेंट्स इज तबला फ्लूट सितार नॉन ऑफ द अबव, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेटल से बना होता है यह आपको बताना है। राजकुमार जी नमस्कार, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय। विभा पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ रंगोली मैम बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संगीत रस स्मृति अनामिका जी, सुमन यादव जी गुड आफ्टरनून, पुष्पांजलि मैम, तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि मेटल से बने जो वाद्य होते हैं उनको घन वाद्य बोला जाता है ना, और इनमें से तबले की बात की तो अवनद होता है ना, अवनद। ठीक है, फ्लूट आपका सुशीर, सितार आपका तत्, तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसका चौथा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट्स सरिंदा इज प्लेड विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से सरिंदा जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है यह आपको बताना है। बो जवा बिजराफ नॉन ऑफ देम, गुड आफ्टरनून मैम, सितार कैसे होगा भाई, धन्यवाद राधा कुंजी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैम स्ट्रिंग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बो। हाँ सृंदा किससे बजाया जाता है, बो से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ गीतिज मेंशन इन द टेक्स्ट संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर के अंदर कितनी गीतियों का उल्लेख किया गया है, 5, 4, 6 नॉन ऑफ द अबव,
कितनी गीतियों का किया गया है बताएगा। गुड आफ्टरनून नेहा मैम। नहीं, स्ट्रिंग की बात नहीं है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो पांच गीतियों का है ना, इन्होंने पांच गीतियां मानी है जो है सारंगदेव जी ने, और वृहदेशी के अंदर सात गीतियां मानी गई हैं, ठीक है ना। इन्होंने भाषा और विभाषा दो गीतियां और मानी थी। द म्यूजिकल टेक्स्ट मेंशन बाई मतंग मुनि है ना, कंपोज्ड द म्यूजिकल टेक्स्ट कंपोज्ड बाई मतंग मुनि, मतंग मुनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, श्रुति है ना, श्रेष्ठम, बृहदेशी, पारिजात या नॉन ऑफ द अबव, कौन सा होगा सही आंसर बताएगा। 26 बच्चे लाइव हैं, जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही। तो इसका सही आंसर होगा बृहदेशी या बृहदेशी। द आर्टिस्ट अवार्डेड विथ भारत रत्न इज फैयाज खां, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद सुजाज खां या नॉन ऑफ देम, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित कलाकार कौन सा है। अनमोल जी नमस्कार सर, तो इसका सही आंसर होगा कि पंडित रविशंकर जी जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, 1999 1999 में, ठीक है। द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द टेक्स्ट संगीत रत्नाकर, यानी कि संगीत रत्नाकर बुक्स या ग्रंथ में को कितने जो है अध्याय हैं, ये आपको बताना है, 5, 7, 9 या नॉन ऑफ द अबव। आंसर ऐसे नहीं रवि जी, नहीं रविशंकर जी, क्योंकि देखिए ऐसे छोटे अपने जैसे हम उम्र नहीं है, वो बहुत ही लीजेंड जो है पर्सन है, रेस्पेक्ट हमें देना है उनको। तो इसका सही आंसर होगा जो है कितने हैं, 7 हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द डिस्क्राइब ऑफ रमाशंकर भट्टाचार्य या भट्टर है ना, भट्टाचार्य वाज, भट्टाचार्य रविशंकर जी ने किनसे जो है संगीत की शिक्षा या शिष्यत्व ग्रहण किया था, ये आपको बताना है। पंडित रविशंकर जी, उस्ताद आमिर खान साहब, जद्दू भट्ट या नॉन ऑफ देम, क्या होगा बताएगा। धन्यवाद नेहा मैम। कोई बात नहीं, आंसर वैसे ऐसे ही। तो इसका जो है नॉन ऑफ देम होगा, इन्होंने जो है उनका नाम ब्रिज से रिलेटेड है, क्या नाम है मुझे, मैंने देखा था याद नहीं है, लेकिन इसका इनमें से कोई भी नहीं है जिनसे इन्होंने सीखा है। ये क्या है, उस घराने से है, विष्णुपुर घराने से। विच घराना डिड क्षेत्रमोहन गोस्वामी बिलोंग टू, क्षेत्रमोहन गोस्वामी कौन से घराने से संबंध रखते हैं या कौन से घराने से हैं, जयपुर, पटियाला, विष्णुपुर या नॉन ऑफ द अबव, कौन से घराने से हैं बताएगा। देखिए हमें हर प्रकार के संगीत के बारे में जानना है, इसके तुरंत बाद आपको जो है डी ट्रिपल एस बी का भी हम कोर्स वो जो है पेपर करवाने वाले हैं, जो कि 2021 में अभी हाल ही में हुआ था 31 जुलाई को। विच घराना डिड जो है क्षेत्रमोहन गोस्वामी, तो इसका सही आंसर होगा विष्णुपुर घराना, ठीक है। द राइटर ऑफ द बुक चतुर्दंडी प्रकाशिका इज, यानी कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है, पंडित वेंकटमुखी, मतंगा यानी मतंग मुनि, अमीर खुसरो या नॉन ऑफ देम, या कोई भी नहीं। ब्रजभूषण काम रहा है, सही बात है। ऑलेज वेल है ना। चलिए इसका सही आंसर देते हैं, पंडित वेंकट मुखी जी के द्वारा चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी गई है। द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज प्लेस्ड फॉर अकम्पोमेंट विथ बाउल सॉन्ग, बाउल सॉन्ग के साथ कौन सा सहायक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, फ्लूट, श्रीखोल, सितारिया, फिर नॉन ऑफ द अबव, कौन सा बजाया जाता है, ये आपको बताना है।
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया सभी का आंसर। अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो बार बार मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो आप लोगों की जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, और आपके कमेंट्स बॉक्स में, यानी कि जहां पर आप मुझे आंसर कमेंट्स कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपको येलो और ब्लू कलर के अंदर हमारे चैनल का लोगो और नाम दिखाई दे रहा होगा, वही आपका लिंक है, उस पर क्लिक करें और आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। द इंस्ट्रूमेंट्स विच द इज प्लेस्ड ऑफ अकम्पोनमेंट विथ बाउल, बाउल सॉन्ग के साथ क्या बजाया जाता है? तो श्री और खोल, श्री खोल जो है वो बजाई जाती है। द बुक संगीत सार वाज पब्लिश्ड ऑन 1803 AD, 1840 AD, 1869 AD या नॉन ऑफ द अबाउ, क्या होगा बताइएगा? शुभम जी, अब पता नहीं उन्होंने लगा दिया होगा, हो सकता है हमारे इधर खोल बोलते हैं उधर श्री खोल बोलते होंगे। तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबाउ। इन द दंड मात्रिक नोटेशन स्टाइल ऑफ द सिंबल ऑफ विक्षेप, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि ये जो है नोटेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनकी जानकारी मुझे नहीं है। इस जो है क्वेश्चन को मैं जो है स्लिप कर देता हूं, या आप लोग आंसर बताइए फिर हम इसको देखेंगे। है ना, तो इसका बताइएगा, देखें 63 का क्या होगा। अगर किसी के पास दंड मात्रिका स्वर लिपि हो तो प्लीज मुझे भेजिएगा, मुझे खूब कोशिश की, आकार मात्रिक तो मिल गई लेकिन दंड मात्रिक नहीं मिली है। तो इसका मैं तो इसका कोई भी आंसर नहीं दूंगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं नहीं जानता, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम तो क्लियर साफली पूछ मना कर देते भाई नहीं आता है, इसलिए छोड़ देते इसको। द बुक आशुरंजनी तवा वाज पब्लिश्ड 1807 AD या 1805 AD या 1865 AD या नॉन ऑफ द अबाउ। अब देखिए मुझे, मैं कंफर्म नहीं, इसलिए मैं उसका कुछ भी नाम आंसर नहीं दूंगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबाउ। इन्होंने पता क्या किया है इनमें, यानी इन्होंने 150 क्वेश्चन में से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर नॉन ऑफ द अबाउ लिखा। द रागाज विच आर परफॉर्म्ड फ्रॉम 12 noon at 12 at night आर कॉल्ड, यानी जो राग दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? ग्राम राग, उत्तरांगवादी राग, पूर्वांगवादी राग या फिर नॉन ऑफ द अबाउ, क्या होगा बताएगा? हाँ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है वो। हाँ ये एग्जाम का पेपर है, बिल्कुल मैम ये जो पेपर है जो है त्रिपुरा के अंदर पीजीटी म्यूजिक के लिए जो होता है ये है मुन्नी मैम, ये सभी जो है रविंद्र संगीत से रिलेटेड और हिंदुस्तानी संगीत के मिक्स क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा पूर्वांगवादी। द राइटर ऑफ द बुक ऑफ ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया इज, वी एन भातखंडे, वी डी पलुस्कर, जद्दू भट्ट या नॉन ऑफ देम, क्या होगा बताइए? छोड़ ही नहीं रहा है नेहा मैम, मैंने बताया ना उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीजीटी का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश नहीं है त्रिपुरा, सॉरी माफी चाहूंगा त्रिपुरा, जो कि उसमें आता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जो है वहां पर पूरा रविंद्र संगीत चलता है। तो इसका सही आंसर होगा वी एन भातखंडे जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। इन विच चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र सुषिर वाद्य वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैज बीन डिस्कस्ड,
यानी कौन से वाद्य, कौन से चैप्टर में नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में जय सुषिर वाद्य का उल्लेख किया गया है, ये एक क्वेश्चन है। और इसके आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं 28, 30, 32 या फिर नॉन ऑफ दबाव, क्या होगा बताएगा। ये तो उनका उल्लेखनीय योगदान है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो 66 का जो है वो होगा 30, यानी 30वें अध्याय के अंदर जो है सुषिर वाद्य के बारे में वर्णन किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट संगीत रत्नाकर, यानी संगीत रत्नाकर में जो है संगीत वाद्य यंत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं या उसमें उल्लेख किया गया है। 6, 4, 8 या नॉन ऑफ दबाव, कितने भागों में जो है वाद्य यंत्रों को बांटा गया है। बहुत ही बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा 4, 4 भागों में इन्होंने इनको बांटा है, डिवाइड किया है। फिर से आ गई दंड मात्रिक स्वर लिपि। इन दंड मात्रिक नोटेशन स्टाइल ऑफ द सिंबल ऑफ हाफ नोट, यानी हाफ नोट के लिए दंड मात्रिक स्टाइल में किस सिंबल या किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, XOL या नॉन ऑफ दबाव। इसलिए मुझे दंड मात्रिक की कोई भी अभी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं। अगर आपको हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। द राइटर ऑफ द बुक ऑफ गीति गोविंदार स्वर लिपि इज, मीराबाई, सुरेंद्र मोहन टैगोर या क्षेत्र मोहन गोस्वामी या नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम 70 का क्या क्वेश्चन का आंसर होगा बताएं। बिल्कुल रंजीमा जी, बहुत ही बढ़िया। राजमणि जी, सॉरी राजमणि टाइगर जी, नहीं सर ऐसे नहीं, अपन उसका कुछ नहीं लगाएंगे जब पता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र मोहन गोस्वामी, इनके द्वारा गीति गोविंदा स्वर लिपि लिखा गया है। द अमोंग द फ्लोइंग तालाज द ताल प्लेस्ड ऑन पखावज इज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ताल जो है पखावज पर बजाई जाती है, सुलताल, त्रिताल, दादरा या नॉन ऑफ द, क्या होगा। हाँ ताराचंद भाई साहब नमस्कार सर, आपको टीसी म्यूजिक क्लासेज से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंगर, सिंगर राजमणि द सिंगर, टाइगर की जगह, अरे तो टाइगर भी तो हो सकता है ना, राजमणि द सिंगर। तो इसका सही आंसर होगा सुलताल, सुलताल जो है पखावज पर बजाया जाता है। परिये पेनाबे के सजनी दिस पर्टिकुलर बंदिश इज विच राग, ये गीत गोविंदा सार है। तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से भी कोई नहीं है। ठीक है अगला क्वेश्चन। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर अकम्पोमेंट विथ कीर्तन, कीर्तन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सितार, वायलिन, सरोद या फिर नॉन ऑफ द अबव। नहीं, भाषा अलग है, भाषा के साथ जो है इसके अंदर जो है क्वेश्चंस भी थोड़े अलग है। ना तो इसके अंदर जो है क्या होता है, कंपोजिशन
सॉरी रविंद्र संगीत के अंदर जो है इसका वोयलिन, वोयलिन का प्रयोग वैसे कीर्तन के साथ किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता लेकिन कीर्तन के साथ कुछ जगह पर किया जाता है, तो इसका हम दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें श्री खोल आदि कुछ होता। द बुक वेहर द वर्ड ताराना इज मेंशनड इज नाट्यशास्त्र, आईने अकबरी, या फिर संगीत पारिजात, या नोन ऑफ द अबव। ताराना जो है, ये क्वेश्चन है कि ताराना जो है किस बुक के अंदर बताया गया है, या किस बुक में तराने का उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्र, आईने अकबरी, संगीत पारिजात, या नोन ऑफ द अबव। हाँ शायद जौनपुरी का ऐसा कुछ है। हाँ जौनपुरी में है शायद ये, मैंने भी देखा था। हाँ क्या नाम आपका, ताराचंद जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें जौनपुरी का नहीं दे रखा ना, इसलिए हमने नॉन ऑफ द किया। इसका सही आंसर होगा आईने अकबरी। आईने अकबरी में जो है ताराने का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, द मूर्छना ऑफ मध्यम ग्राम इज, मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना है, मार्गी, रजनी, चित्रा, या फिर नॉन ऑफ द अबव। मध्यम ग्राम की कौन सी जो है दी गई है, ये बताना है आपको। हाँ मैंने सर्च किया था, अब मुझे ये तो याद नहीं था कि ये कौन सी से है, लेकिन इन चार ऑप्शन पे से नहीं था। सारे क्वेश्चन जो है क्रॉस चेक करके आंसर की मैंने ही बनाई है, कहीं से कोई आंसर की मेरे को मिली नहीं है, इसलिए जो है जो मुझे नहीं आ रहा है उनके लिए मैं साफ मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया, इसका सही आंसर होगा मार्गी, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और कल संडे है इसलिए सभी इंजॉय करिएगा, और कल रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। जी मैम ठीक है, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कल के लिए सभी को जो है हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से आप अपने भाइयों को राखी बांधें और उनसे दुआएं लें। नहीं सर वो 50 क्वेश्चन भी लेंगे, अभी देखते हैं। धन्यवाद अंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें दी उसके लिए। जिन भी बच्चों ने, आप सभी ने जो प्यार दिखाया मेरे जन्मदिन पर, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद पुष्पांजलि मैम। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है सभी को बाय बाय, लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको जो है आपके कमेंट्स बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद विजेता मैम, और सभी को अनुपमा मैम, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ ताकि क्लास करें हैं, ताकि अपनी संगीत की जो है डिस्क्रिप्टिव क्लासेज जो है उसका वो करते रहें, कंटिन्यू क्लासेज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है सभी को बाय बाय, टेक केयर। हाँ कल्पना मैम स्वागत है, आइए पार्टी मिलेगी, पार्टी अभी शुरू हुई है ना, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हाँ कल कोई क्लास नहीं होगी, अब क्लास नेक्स्ट मंडे को होगी, और शाम की जो आप लोगों को मैंने बताया था कि रिवीजन क्लास शुरू शुरू हो चुकी है, जिन भी बच्चों को करना है ज्वाइन कर लीजिएगा, एक क्लास हो चुकी है। डेली हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं नेट जेआरएफ के अंदर, डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा अभी नेक्स्ट नेट
जी आर एफ का ये मान लीजिए रिवीजन क्लास, एक मैराथन क्लास की तरह एक जो है डेली सो क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में यानी एग्जाम के समय पर जाते जाते वो 150 तक हो जाए। धन्यवाद अंशु मैम। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्दी से क्लास अपनी सुचारू रूप से लें। इस बार यानी कहते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन है, इस बार नेट जारफ का बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। जिन्होंने जिनको भी लगता है हमने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है और केवल रिविजन करना है, तो रिविजन का बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज है और आप जो है 5000 एमसीक्यूज के अंदर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।